हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं भरमा शिमला मिर्च की सब्ज़ी। तो इसके लिए मैंने शिमला मिर्च के ऊपर के हिस्से को, नाइफ़ को देखिए, बिल्कुल कॉर्नर से पकड़ के कट कर लिया है। प्रॉपर इसको राउंड शेप में पूरा कट कर देंगे और जो बीज हैं बीच में वो हम सारे निकाल देंगे। शिमला मिर्च को अंदर से बिल्कुल खाली कर लेंगे ताकि हम बाद में इसमें फिलिंग भर पाएँ। देखिए, ऐसे मैंने इसको पूरी तरह से बीज को निकाल दिया है। सभी शिमला मिर्च को मैंने वन बाय वन ऐसे किया है और जो इसका ऊपर का हिस्सा हमने कट किया था इसको हम थ्रो नहीं करेंगे, इसको संभाल के रखेंगे, क्योंकि जब हमने इसमें फिलिंग डालनी है तो ये हमें ऊपर से कवर करने के काम आएगा, जिससे अंदर का जो हमने अंदर डालना है पीठी आलू की वो बाहर नहीं निकलेगी और शिमला मिर्च अच्छी तरह से बन जाएंगी। तो हमने कढ़ाई में लिया ऑयल और इसमें मैंने डाला जीरा। तेल को मैंने अच्छी तरह से पहले गरम कर लिया था, फिर मैंने डाला है अनियन, प्याज, हरी मिर्ची और थोड़ा सा मैंने दो तीन आलू को बॉईल कर लिया था, मैश कर लिया था अच्छे से, हरा धनिया, नमक स्वाद अनुसार, काली मिर्च, हल्दी पाउडर बिल्कुल थोड़ा सा डालना है, धनिया पाउडर, कसूरी मेथी और गरम मसाला। लास्ट में जो हम डालेंगे वो है हमारा चाट मसाला, जो इसको बहुत अच्छा टेस्ट देगा। ये हमारी शिमला मिर्च में भरने के लिए फिलिंग रेडी हो गई है। इसको अच्छे तरह से सभी मसालों को कर लेंगे मिक्स और निकाल लेंगे एक प्लेट में। इसको बिल्कुल हमने ठंडा करके फिल करना है। ठंडा होने पर मैंने शिमला मिर्च को, अब मैं ये फिलिंग इसमें भर रही हूँगी, अच्छे से अंदर तक पूरा इसको कवर करना है। ध्यान रखें कि ये फिलिंग बिल्कुल भी बाहर ना आए, क्योंकि जब हम इसको फ्राई करते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि ये फिर फिलिंग बाहर निकल जाती है। इस कैप को हम अंदर की तरफ डालकर पूरा कवर कर देंगे ताकि फिलिंग हमारी बाहर ना आए। सभी शिमला मिर्च को मैंने ऐसे किया सेम प्रोसेस से और फिर हम कढ़ाई में लेंगे थोड़ा सा ऑयल। इसमें मैं रखूंगी शिमला मिर्च को और इनकी साइड्स को टाइम टू टाइम, टू थ्री टाइम चेंज करती रहूंगी। आप इसको हाथ से भी कर सकते हैं, ऊपर से पकड़ के, और कवर करें इसको अच्छी तरह से पकने के लिए ताकि ये बाहर से पूरी तरह से पक जाए, कच्ची ना रहे। साइड्स को टाइम टू टाइम चेंज करते रहें, दो तीन बार बीच में चेक करते रहें। जैसे कि आप देख रहे हैं ये शिमला मिर्च हो गई है रेडी। ऊपर से मैंने हल्का सा नमक और हल्दी को डाला था ताकि बाहर से भी थोड़ा सा कलर अच्छा आ जाए। आई होप यू लाइक योर माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच इसको आखिर तक देखने के लिए।